फल बारस प्रिया। ये सोने के कणों से बने घोड़े हैं और एक करतब दिखाता हाथी, लेकिन यहाँ कोई भी जिंदा जीव नहीं है। लंबे समय से चला आ रहा जर्मन सर्कस रूनकाली अब होलोग्राम तकनीक के साथ नए दौर में दाखिल हो रहा है। अब हम घास के मैदानों में अपना टेंट नहीं लगाते, बल्कि अक्सर शहर के बीचों बीच एक पार्किंग में इसे लगाते हैं। जानवरों के लिए बनाई जाने वाली परिस्थितियां बदल गई हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना है, हमें अपने आसपास बदलते संसार को महसूस करना है और लगातार जरूरी एडजस्टमेंट करना है। शो की शुरुआत में अब होलोग्राम्स ही नए स्टार हैं। और उसके बाद असली कलाकार आते हैं। सर्कस फिलहाल उत्तरी जर्मनी के ल्यूबेक शहर में शो दिखा रहा है और परफॉर्मेंस का नाम है स्टोरी टेलर्स, यस्टरडे टुडे एंड टुमारो। सर्कस की रोमांटिक दुनिया को 21वीं सदी में उतारने का आइडिया है। एक्रोबैट का एक औद्योगिक रोबोट के साथ संवाद, इसी तरह भविष्य को दिखाया जा रहा है। सर्कस को चौंकाना चाहिए, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि क्या आने वाला है। उन्हें कहना चाहिए ये क्या है, मैंने ये पहले कभी नहीं देखा, जैसे भाप इंजन, कारें, बिजली वाली रोशनी आदि। पुराने दौर में ये चीजें सनसनी पैदा करती थी और आज हम होलोग्राफी पेश कर रहे हैं। जर्मनी के रूअर इलाके की एक कंपनी ऑगमेंटेड रियलिटी में एक्सपर्ट है। कंपनी ने रोनकाली की सोच को हकीकत में बदला। उसने आकार बनाने के लिए 3D एनिमेशन का सहारा लिया। बिर्गर वुंडरलिश की टीम ने सर्कस टेंट का भी एक आभासी रूप तैयार किया, ताकि एनिमेशन को हर कोण पर बैठे दर्शकों के मुताबिक एडजस्ट किया जा सके। हाथी के विशाल आकार में फैली त्वचा जैसा रूप तैयार करना बहुत ही जटिल काम है। हमने इसके लिए तस्वीरों का सहारा लिया, लेकिन हाथी में 40,000 से भी ज्यादा कड़े बाल होते हैं। अगर आप सर्कस रिंग में हाथी को गौर से देखेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेंगे। उनकी नकल करना और फिर प्रोसेसिंग करना बहुत कठिन चुनौती थी। होलोग्रामों को विशाल स्टूडियो में टेस्ट किया गया, जानवरों को अपने असली आकार के 1/4 आकार में, लेकिन ये सारे होलोग्राम सर्कस के शो का हिस्सा नहीं है। भविष्य में और ज्यादा संवाद होगा और ये और भी ज्यादा दिलचस्प होगा। एक्रोबेट कलाकार सीधे होलोग्राम से संवाद कर पाएंगे, उसी तरह जैसे एक कलाकार नई तैयारी करता है, नई दुनिया बनाता है और उसी में घूमता रहता है। मौजूदा टूर के लिए सर्कस डायरेक्टर बेनहार्ड पॉल को एक ग्रीन क्रोमा के सामने शूट किया गया और फिर उन्हें एक आभासी गुब्बारे में बैठा दिया गया। चलिए देखते हैं कि दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या कुछ मिस हो रहा है? क्या वे सोचते हैं कि अब सर्कस से असली जानवर विदा हो चुके हैं? मुझे लगता है कि ये अच्छा है कि कोई जानवर नहीं है। अगर आप जीवित जानवरों को देखना चाहते हैं, तो आप चिड़ियाघर जा सकते हैं। यह वाह करने वाला है, मुझे ये भाया, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मैं बीते दौर की रोमांटिक रोनकाली स्प्रिट मिस कर रहा हूँ। होलोग्राम और तकनीक वैसा माहौल नहीं बना पा रहे हैं। छोटे घोड़ों की कमी खली, फिर भी मुझे ये पसंद आया। शानदार, वेल डन। हाथी देखकर ऐसा लगा जैसे मेरी गोद में ही बैठ जाएगा, ये हकीकत के कितना करीब था। अगले प्रोग्राम में आभासी दुनिया असली दुनिया में घुल मिल जाएगी, वो भी और गहराई से। लेकिन भविष्य में भी सर्कस के भीतर हैरान करने वाली एक जादुई दुनिया जरूर मौजूद रहेगी।